आज हम कक्षा दसम की हिंदी की वेला में सुमितानंदन पंत जी का चंद्र लोक में प्रथम बार शीर्षक का पठन कार्य करेंगे। कृपया सभी भैया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। भैया बहनों, आज का शीर्षक है चंद्र लोक में प्रथम बार। चंद्र लोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय वादा बंधन, दिग्विजयी मनुसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, भू को दे गौरव। भैया, आज का शीर्षक है सुमितानंदन पंत जी का चंद्र लोक में प्रथम बार। संकेत पढ़ दी, चंद्र लोक में डॉट 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 को दे गौरव। शब्दार्थ, भैया बहनों, पदार्पण अर्थात पैर रखना, बाधा रुकावट, शुभारंभ प्रारंभ, मनुष्य अर्थात मनुष्य संदर्भ। भैया बहनों, प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंदन पंत जी द्वारा रचित रिता नामक काव्य संग्रह से हिंदी के काव्य खंड संकलित चंद्र लोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग, भैया बहनों, कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना का के महत्व को व्यक्त किया है। व्याख्या, भैया बहनों, कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के इन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता है छिन्न छिन्न कर दिया, अर्थात उसको छिन्न भंग कर दिया। मनुष्य को आशा बन गई है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। यह निश्चय है कि मनु के पुत्रों को दिग्विजय है, विजयी हैं। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आ जाना चाहिए और प्रेम से एक दूसरे के निकट आए, यही कवि की आकांक्षा है। मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक संबंध स्वप्न अब संभव हुआ है। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। काव्य सौंदर्य, भैया बहनों, इस पद्यांश की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। नंबर दो, शैली, इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर तीन, रस, यहाँ वीर रस का प्रयोग किया गया है। नंबर चार, छंद, तो कांत युक्त छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर पाँच, गुण, यहाँ पर ओज गुण है। नंबर छः, अलंकार, यहाँ पर अनुपास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
वंदना करूँ।